सब्जेक्ट जो है ना गर्लफ्रेंड ही जैसा होता है। जिस लड़की में आपका इंटरेस्ट नहीं है आप खुश ही नहीं रह पाओगे ना, ब्रेकअप हो जाएगा। लेकिन जिस लड़की में आप जितना इंटरेस्ट लोगे, जितना टाइम दोगे, उतना प्यार देगी। हेलो बच्चों, की हाल, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल इड्यू 360% में आयुष सर के साथ। जैसा कि हम पीछे 6 वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम क्या क्या कंप्लीट किए हैं, दूसरे वीडियो से हम स्टार्ट किए हैं पढ़ाई वाला। पहला वीडियो है वो बैच के बारे में कंप्लीटली आपको जानकारी देता है। दूसरा वीडियो ईडीडी फर्स्ट का सिंबल का रिविजन है, जो कि हर जगह पावर सर्किट या सिस्टमेटिक डायग्राम में लगने वाला है। थर्ड वीडियो जो है हमारा वह थ्री फेज ड्यूएल स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जो कि आपको नहीं, थर्ड वीडियो है कंडक्टर कंट्रोल सर्किट, जो कि आपके स्क्रीन पे जो सिलेबस चार्ट है उसमें दिखाई दे रहा है। जो फोर्थ वीडियो था हम लोगों का, वो था ड्यूएल स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इन सभी टॉपिकों में डिजाइन ऑफ सर्किट, पावर वायरिंग डायग्राम, सिस्टमैटिक या स्कीमेटिक डायग्राम, सारे चीज पढ़ते आए हैं। और फिर जो हम पढ़े हैं फिफ्थ वीडियो, उसमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर गेटिंग सप्लाई फ्रॉम सिलेक्टेड फीडर, जो आपके सिलेबस चार्ट में 1.2 करके दिखाई दे रहा है। और फिर हम लोग जो सिक्स वीडियो हम लोगों का डाला गया है वो है 1.3 फॉरवर्ड रिवर्सिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और इस तरह से हम कई पड़ाव को पार करते हुए 1.4 पे आए हैं, जो कि है टू स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। क्या है 1.4 टू स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इसमें हम इस चीज को पढ़ेंगे। देखिए आपके सिलेबस चार्ट में 1.4 करके दिया होगा, इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि सर्किट का डिजाइन पढ़ेंगे, पावर वायरिंग डायग्राम पढ़ेंगे और इस सिस्टमेटिक या स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि ये टू स्पीड थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है और उसमें टू स्पीड से हम लोगों को क्या मतलब है, टू स्पीड से क्या मतलब है। इससे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बता दी जाए कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ इड्यू 360% टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप वहां से चैनल ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कहां से किए थे कि टू स्पीड थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या है और यहां पे टू स्पीड से मतलब हमारी क्या है। तो देखिए टू स्पीड से मतलब है कि हमारी ऐसी एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो हाई स्पीड और लो स्पीड, यानी दो स्पीड पे ऑपरेट हो या चले, हाई स्पीड या लो स्पीड, दो स्पीड के लिए। लेकिन 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 हम यह जानते हैं कि जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है वह केवल और केवल एक ही स्पीड पे ऑपरेट होता है, या तो लो या तो हाई। तो देखिए जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन है, अब लेके चल रहे हैं आपको डीप में कि ये हम टॉपिक पढ़ते क्यों हैं, और आपको डीप में वहां से कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि आप ऐसे पावर वायरिंग डायग्राम देखते कहेंगे सर यहां के बाद तो हमें मालूम है कि कैसे होगा। तो देखिए कैसे किया जाता है। जब ये थ्री फेज हमारी इंडक्शन मोटर है तो इसमें कितनी वाइंडिंग होगी, तीन वाइंडिंग होगी। तो हमने बना दिया इसमें तीन वाइंडिंग, इसमें कितनी वाइंडिंग बना दी हमने, तीन वाइंडिंग। अब देखिए हम तो यह कह सकते हैं कि यह इसके दो सिरे हैं, इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर का दो सिरा है। कितना हेड है, दो हेड। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कितने हेड हैं, दो हेड। एक हेड इधर है और एक हेड इधर है। या हम यह कह सकते हैं कि इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर के सिक्स टर्मिनल हैं, जो आपके टर्मिनल बोर्ड पे दिखाई देते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 3 और 3, 6। ये दो हेड, हर हेड में तीन टर्मिनल, टोटल थ्री फेज इंडक्शन मोटर में 6 टर्मिनल। अब हम इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसको चलाते कैसे हैं। तो हम यह जानते हैं, मशीन में पढ़ के आए हैं, अगर नहीं पढ़ के आए हैं तो यहां से कंसेप्ट हम
टू द पॉइंट दे देंगे आपको। हम यह कहते हैं कि सर इसके एक हेड को या तो हम डेल्टा में, डेल्टा से मतलब क्या है कि हूबहू हमें सप्लाई मिल रही हो, और स्टार से मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए हैं, एक फेज को शॉर्ट कर दिए हैं और दूसरे फेज से हम क्या करते हैं अपनी सप्लाई आर वाई बी से कनेक्ट कर देते हैं। तो यह हमारी मोटर के स्टेटर में एक वाइंडिंग है तीन फेज की, एक वाइंडिंग है तीन फेज की, कितनी वाइंडिंग है एक वाइंडिंग है जिसके दो सिरे हैं, छह टर्मिनल है, जिसमें एक टर्मिनल को या एक सिरे में जितने टर्मिनल होते हैं उसको स्टार या डेल्टा में कन्वर्जन करके मोटर को स्टार या डेल्टा कनेक्शन में चलाया जाता है, दूसरे सिरे पे हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो होता क्या है कि इस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होता है और बाकी की प्रोसेस आप मशीन में पढ़े होंगे, यह मोटर हमारी रन करना स्टार्ट कर देता है। तो जो इसकी स्पीड होगी वह या तो हाई होगी या तो लो होगी, लेकिन अब हमें पढ़ना है टू स्पीड थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो हमें पढ़ना है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, लेकिन बनाना इसमें टू स्पीड, टू स्पीड मतलब कि वह हाई पे भी चले और लो स्पीड पे भी चले। तो हमें इसके कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा कि थोड़ा सा चेंज करना होगा, हमें इसके कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा थोड़ा सा चेंज करना होगा। वो चेंज क्या होगा तो देखिए, ये आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कहानी समझ में आ गई है। मैं थ्री फेज की कहानी का बात कर रहा था, गलती से सिंगल फेज निकल गया। आपने सिंगल सॉरी थ्री फेज कहानी की, इस थ्री फेज मोटर की सारी कहानी समझ लिया है। अब बात करते हैं कि मोटर तो हमारी थ्री फेज ही रहनी चाहिए, लेकिन उसका वर्किंग ऐसा होना चाहिए कि वो दो स्पीड में चले, दो स्पीड यानी एक हाई स्पीड पे और एक लो स्पीड पे। तो हमें करना क्या है, हमें एक मोटर बनानी है कैसी, थ्री फेज की। इसमें तीन वाइंडिंग होनी चाहिए हमारी ऐसे, और तीन वाइंडिंग हमें एक्स्ट्रा होनी चाहिए नीचे, तीन अलग अलग वाइंडिंग है, यानी कि टोटल इसमें एक वाइंडिंग है जिसमें थ्री फेज की है। तो थ्री फेज की एक वाइंडिंग, थ्री फेज की एक वाइंडिंग, और थ्री फेज की एक वाइंडिंग में तीन वाइंडिंग होता है, ठीक है। और फिर एक हमें थ्री फेज की वाइंडिंग चाहिए और इसमें भी तीन वाइंडिंग होना चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि जब ये हमारी थ्री फेज की वाइंडिंग है, इसका कनेक्शन इस प्रकार से करते हैं कि इसके एक एंड को सप्लाई देने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरे एंड को हम स्टार में या तो डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे कनेक्ट करते हैं कि जब इस वाइंडिंग को सप्लाई दी जाए, यानी कि वाइंडिंग वन, थ्री फेज की वाइंडिंग वन को सप्लाई दी जाए, तो यह हमारी मोटर हाई स्पीड में, यह हमारी मोटर किस स्पीड में, हाई स्पीड में रन करे, अप्रोक्स 1500 आरपीएम, एक हम मान लेते हैं कि 1500 आरपीएम में। और जब हम इस दूसरे वाइंडिंग को, थ्री फेज की दूसरे वाइंडिंग को इस कनेक्शन में कनेक्ट करें कि यह जो अब इसको हम सप्लाई दे आर वाई बी को, तब यह लो स्पीड में रन करे, लो स्पीड में रन करे, जैसे कि 750 आरपीएम, 750 आरपीएम। तो देखिए है क्या, इसका हमें सार क्या निकला, इसका कंसेप्ट क्या निकला, ये टू स्पीड थ्री फेज इंडक्शन मोटर एक ऐसी मोटर है जिसके स्टेटर में दो वाइंडिंग होते हैं, दो वाइंडिंग होते हैं, तीन फेज के दो वाइंडिंग होते हैं, ऐसे कहेंगे तीन फेज की दो वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग से जब हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो यह हाई स्पीड पे रन करती है, और जब इस वाइंडिंग से कनेक्शन कट करके और दूसरे वाइंडिंग से जब हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो यह लो स्पीड पे रन करती है। ऐसा मोटर में होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस कनेक्शन का लॉजिक है जो आपको नहीं जानना है। बस आपको यह जानना है कि एक बार एक से कनेक्ट करेंगे तो हाई स्पीड में और दूसरी बार दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो लो स्पीड में हमारी मोटर रन करेगी। सारी की सारी कंसेप्ट यही है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पावर वायरिंग डायग्राम। अब देखिए यह मोटर है क्या, यह मोटर दो काम कर रही है, इसमें तो वाइंडिंग दो है, क्या है इसमें वाइंडिंग दो है, और यह कर रहा है कि इसमें दो वाइंडिंग है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, तो इसकी दो और नाम है,
इस मोटर की दो और नाम है, एक को कहते हैं टू स्पीड थ्री फेज इंडक्शन मोटर। देखिए कंट्रोल ऑफ हटा देंगे, इस असली मोटर का नाम है इसको टू स्पीड थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर। और इसका हमें पढ़ना क्या है तो कंट्रोल पढ़ना है। तो इस टू स्पीड थ्री फेज इंडक्शन मोटर का दो और नाम है, पहला है पोल चेंजिंग मोटर, पोल चेंजिंग मोटर, और दूसरा है डुअल स्पीड मोटर, डुअल स्पीड मोटर। तो इस टू स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के काम से एक नाम पड़ा डुअल स्पीड मोटर, और एक इसके वर्किंग से नाम पड़ा पोल चेंजिंग मेथड, यानी कि हम इसमें दो बार सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं, एक बार एक वाइंडिंग से और दूसरे बार एक वाइंडिंग से। तो देखिए अब इसका हम पढ़ेंगे क्या जो हमारे एग्जाम में आता है। अब हमने कंसेप्ट क्या कर लिया है इसका, एकदम से क्लियर कर लिया है। अब एग्जाम में आता क्या है, तो एग्जाम में आता है इसका पावर वायरिंग डायग्राम, पावर वायरिंग डायग्राम, पावर वायरिंग डायग्राम। इसमें पावर वायरिंग डायग्राम हम लोग पढ़ते क्यों हैं, तो हमारी पावर हर स्टेप में कैसे कैसे जाती है यह समझने के लिए पावर वायरिंग डायग्राम पढ़ते हैं। और सिस्टमैटिक या स्कीमैटिक डायग्राम हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो सिस्टमैटिक या स्कीमैटिक डायग्राम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी हर चीज सिस्टम से लगी हुई है, उसका शॉर्ट हैंड यानी सिंबल लगा करके उसको पढ़ा जाता है, और इसमें कंटेक्टर लगे होते हैं और कंटेक्टर में पुश बटन होता है, तो उस पुश बटन का रियल फील लेने के लिए हमें सिस्टमैटिक या स्कीमैटिक डायग्राम पढ़ना पड़ता है। तो देखिए पावर वायरिंग डायग्राम इसका बनाते हैं हम कैसे, हमारी तीन फेज आई हुई है आर वाई बी, हमारी तीन फेज आई हुई है कौन कौन से, आर वाई और बी, जिसमें से हम हर फेज से क्या लेते हैं, पावर लेते हैं, और यहां पे लगा होता है हमारा एज यूजुअल मेन स्विच, हमेशा की तरह मेन स्विच। ठीक इसके नीचे फ्यूज लगा होता है, ठीक इसके नीचे ये लगा रहता है हम लोगों का कंटेक्टर, क्या लगा रहता है कंटेक्टर। और कंटेक्टर के ठीक नीचे लगा रहता है ओएलआर, या इसको TOLR कह लो, इसको OLR कह लो और TOLR कह लो। और जेई में सवाल यहां से कैसे बनाता है कि जो थर्मल ओवरलोड रिले होता है उसका कंटेक्ट NO होता है कि NC होता है, हम आपको कई बार बता दिए हैं कि नॉर्मल कंडीशन में इसके कंटेक्ट NC होते हैं, नॉर्मली क्लोज होते हैं। इसके बाद जो हमारी सप्लाई जाती है वह थ्री फेज इंडक्शन मोटर को दे देती है, और यह टू स्पीड है तो इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक हाई स्पीड की वाइंडिंग और एक लो स्पीड की वाइंडिंग, दो वाइंडिंग होती है, एक हाई स्पीड की एक लो स्पीड की। और देखिए तो हम इसको ला करके हाई स्पीड में दे दिए, और फिर हमें करना क्या है कि हमें यहां से टैपिंग करना है और हमें जंप करा के ला रहे हैं, यहां से टैपिंग करना है, और यहां पे भी एक क्या लगाना है हमारा कंटेक्टर लगाना है, एक क्या लगाना है कंटेक्टर लगाना है, इस कंटेक्टर का नाम दे देंगे हाई और इस कंटेक्टर का नाम दे देंगे लो, फिर यहां से सप्लाई हमारी ला करके। अब आप यहां पे एक OLR जोड़ सकते हैं अपने मन से, एकदम से गलत नहीं होगा, आप OLR या जितना भी आपके पास क्या है प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट है आप सर्किट में लगा सकते हैं, 1% भी गलत होने की संभावना नहीं है।
अब देखिए यहाँ से ओएलआर लगा सकते हैं, हम ओएलआर नहीं लगा रहे हैं, आप ओएलआर अच्छा दिखने के लिए लगा सकते हैं, मैं कह रहा हूँ 1% गलत नहीं होगा। यहाँ से सप्लाई कहाँ पे ले जाकर के हम दे दे रहे हैं, इसके लो स्पीड टर्मिनल को। अब देखिए इसके समझते हैं, इसका पहले नामकरण कर लेते हैं। ये हमारी मेन स्विच, मेन स्विच, ये हमारा फ्यूज सेट, फ्यूज सेट, ये है हमारा हाई स्पीड कंटेक्टर। क्या है? हाई स्पीड कंटेक्टर। ये है हमारा ओएलआर यानी ओवरलोड रिले या थर्मल ओवरलोड रिले, और ये होता है हमारा टू स्पीड थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये हमारा क्या होता है? लो स्पीड कंटेक्टर होता है। यहां पे लिख दे रहे हैं लो स्पीड कंटेक्टर। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन हमने किया क्या, अगर इसका कंस्ट्रक्शन लिखना हो अपने मन से तो हम कैसे लिखेंगे कि यहां पे एक तीन फेज की सप्लाई आती है जिसके नीचे मेन स्विच लगा होता है जो कि मेन स्विच पे उतरता है, मेन स्विच के नीचे फ्यूज लगा होता है, फ्यूज सेट लगा होता है, और फ्यूज सेट के नीचे दो कंटेक्टर लगे होते हैं पैरेलल में, एक कंटेक्टर होता है हाई स्पीड कंटेक्टर, एक कंटेक्टर होता है लो स्पीड कंटेक्टर। हाई स्पीड का कंटेक्टर पुनः ओएलआर से होते हुए हाई स्पीड वाइंडिंग को, हाई स्पीड वाइंडिंग को से कनेक्ट होती है, और लो स्पीड कनेक्टर ओएलआर, लो स्पीड कनेक्टर ओएलआर से जुड़ा होता है, आप यहाँ पे ओएलआर जोड़ सकते हैं, ओएलआर से कनेक्टेड होता है, और उसकी सप्लाई किससे कनेक्टेड होती है? लो स्पीड वाइंडिंग से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे देखिए यह जो दोनों कंटेक्टर है कभी भी एक साथ ओपन या क्लोज नहीं होंगे, अल्टरनेटिंग होंगे, एक क्लोज होगा तो एक ओपन हो जाएगा, एक ओपन हो जाएगा तो एक क्लोज हो जाएगा। यहां से पावर को भेजते हैं, पावर हमारी यहाँ पे बनी हुई है, जैसे ही हमने मेन सप्लाई ऑन किया, मेन सप्लाई के जगह पे हम चेंजर या फ्यूज कुछ भी लगा सकते हैं, मेन सप्लाई ऑन किया तो हमारी पावर फ्यूज से होते हुए, अब देखिए इसका ये वर्किंग है, मेन सप्लाई को ऑन किया तो हमारी पावर फ्यूज से होते हुए, फ्यूज किस लिए लगाया जाता है तो फ्यूज हाई वोल्टेज या ओवरलोड की कंडीशन में उत्पन्न हीट के कारण इसके जो एलिमेंट होते हैं, वायर होते हैं, वो मेल्ट करके बाकी सारे इक्विपमेंट को सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे हमारा फ्यूज लगा होता है। पुनः हमारी पावर हाई स्पीड कंटेक्टर से आती है जिससे कि कंटेक्टर हमारा खुल जाता है और वह पावर ओएलआर में हो जाती है। ओएलआर में अगर नॉर्मल कंडीशन में यह क्लोज रहता है, जब क्या होता है कि अब नॉर्मल कंडीशन को पाता है तो यह अपने कंटेक्ट को ओपन करके मोटर को जलने से बचा देता है। वह एबनॉर्मल कंडीशन कब आता है तो वह एबनॉर्मल कंडीशन आता है जब हाई वोल्टेज या ओवरलोड के कारण, जब हाई करंट फ्लो होती है उस करंट के कारण इसके कंटेक्ट ओपन हो जाते हैं और यह थ्री फेज इंडक्शन मोटर जलने से बच जाता है। और जब यह पावर हमारी हाई स्पीड वाइंडिंग को मिलता है तब हमारी जो मोटर होती है वो हाई स्पीड में रन करने लगती है। दूसरा इसका वर्किंग है कि जब हमें मोटर को लो स्पीड पर रन कराना होता है तो हाई स्पीड कंटेक्टर को ओपन कर देते हैं और लो स्पीड कंटेक्टर को क्लोज कर देते हैं तो हमारी पावर उसी माध्यम से थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लो स्पीड वाइंडिंग को प्राप्त होती है जिसके कारण हमारा ये थ्री फेज डुअल स्पीड थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो लो स्पीड में रन करने लगता है। ये था हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? कंटेक्टर लगे हुए हैं और इस कंटेक्टर में लगे होते हैं पुश बटन स्विच, और इस पुश बटन स्विच को समझने के लिए हम यहाँ पे सिस्टमेटिक या कंट्रोल सर्किट को पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक या कंट्रोल सर्किट को पढ़ेंगे। तो आप आई होप कि आपने बना लिया है। अब इस हेडिंग में एक बचा हुआ है हमारा, वो क्या है? सिस्टमेटिक या कंट्रोल सर्किट, स्कीमेटिक या कंट्रोल सर्किट, स्कीमेटिक डायग्राम या कंट्रोल सर्किट। देखिए अब स्कीमेटिक डायग्राम या कंट्रोल सर्किट आपको कई बार, अगर शुरू से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कई बार ये क्यों पढ़ते हैं ये सब बता दिया गया है। पहले हम क्या पढ़ते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, भैया हम ये पढ़ते कहाँ हैं। इसके बाद हमारी बात आती है कि हम इसको इसमें क्या पढ़ेंगे। देखिए सिस्टमेटिक डायग्राम बनाते हैं। पुश बटन स्विच को या कंटेक्टर को ऑपरेट करने के लिए सिंगल फेज की सप्लाई चाहिए, एक फेज और एक न्यूट्रल।
तो यहां पे हम बनाते हैं एक फेज है हमारी, ये क्या है, फेज है। यहां से हमने लिया और ये लगाया हमने मेन स्विच, क्या लगाया है, मेन स्विच। मेन स्विच के जस्ट नीचे हमने लगा दिया ये फ्यूज, और फ्यूज के नीचे हमने क्या लगा दिया, ओएलआर, क्या लगा दिया, ओवरलोड रिले। और यहां पे इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक क्लोज कंटेक्ट, नॉर्मली क्लोज एनसी हमने लगा दिया, या इसको हम स्टॉप बोलते हैं, स्टॉप पुश बटन स्विच लगा दिया। अब देखिए यहां पे हमें करना क्या है, दो कंटेक्ट लगाना है, एक फॉरवर्ड का और एक रिवर्स का, एक फॉरवर्ड का एक रिवर्स का। तो ये देखिए यहां से दो कंटेक्ट है, जहां से ये क्या है हमारी, और एक यहां पे क्या है, एनओ है, ये एन नॉर्मली ओपन कंटेक्ट है, ये कौन सा कंटेक्ट है, नॉर्मली ओपन कंटेक्ट। अब देखिए ये किसका है, सॉरी फॉरवर्ड और रिवर्स बोल रहे थे, हाई स्पीड और लो स्पीड के लिए, हाई स्पीड और लो स्पीड के लिए। यहाँ पे आए हैं हम, पहले यहाँ पे आप जगह छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे आपको बताया जाएगा ये किस लिए जगह छोड़ा गया है। देखिए यहाँ पे हमें क्या लगाना है, ये हमें लगाना है हाई स्पीड कंटेक्टर, और ये जो है हमारा लो स्पीड का कंटेक्टर है, और इन दोनों को हमने किया क्या है, न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है, इन दोनों को क्या कर दिया है, न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए किया इसके इंटर कनेक्शन के लिए, इसके इंटर कनेक्शन के लिए जो ये लो स्विच होता है, लो स्पीड वाली कंटेक्टर होती है, इसका नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट यहां पे हमने लगाया है। देखिए यहां पे हमने क्या लगा दिया है, यहां पे एनओ एनसी कंटेक्ट लगाई है, वो है नॉर्मली कंटेक्ट, किसका, लो स्पीड का, लो स्पीड का। आपको अभी अभी मालूम चल जाएगा कि ये हम ऐसा क्यों करते हैं। अब देखिए यहां पे जो है नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट किसका लगा हुआ है, ये एनसी कंटेक्ट लगा हुआ है हाई स्पीड का, हाई स्पीड कंटेक्टर का यहां पे नॉर्मली क्लोज, और यहां पे लो स्पीड कंटेक्टर का नॉर्मली क्लोज स्विच लगा हुआ है, ये है। अब देखिए हमने किया क्या कि ये जो होता है इसका, जो ये इसका नॉर्मली ओपन कंटेक्ट होता है, ये क्या है, एनओ है, और ये क्या है, एनओ है। ये किसके लिए है, एनओ है हाई स्पीड के लिए, और ये एनओ है किसके लिए, लो स्पीड के लिए। आप समझिए एक मिनट को ध्यान से, हम अभी आपको समझाते हैं। देखिए यहां पे लगाया क्या है, हमने मेन स्विच लगाया है यहाँ पे, ठीक है, हमने मेन स्विच लगाया है। मेन स्विच का काम क्या है कि इससे पावर को आगे भेजना है। यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज का कार्य भी हम आपको बहुत बार बता दिए हैं, और ये ओएलआर लगा हुआ है, और ओएलआर या थर्मल ओवरलोड रिले का हमने आपका कार्य बता दिया। और यहां से हम नॉर्मली कॉन्टेक्ट या जो स्टॉप पुश बटन स्विच होता है, यहां से हम चाहेंगे तो यहां से हम सारी मोटर की इस मतलब की रोटेशन को या मोटर की स्पीड को रोक सकते हैं, पूरा पूरा मोटर को बंद कर सकते हैं यहीं से। तो स्टॉप पुश बटन स्विच है, यहां से हमारी हाई स्पीड कंटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ लो स्पीड कंटेक्टर लगा हुआ है, ये नॉर्मली ओपन कंटेक्ट लगा हुआ है किसका, हाई स्पीड कंटेक्टर का, और ये नॉर्मली ओपन कंटेक्ट लगा हुआ है लो स्पीड कंटेक्टर का। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट लगा हुआ है किसका, लो स्पीड कंटेक्टर का, और यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट लगा हुआ है हाई स्पीड कंटेक्टर का, ठीक उल्टा। यह करते क्यों है, यह इंटर कनेक्शन के लिए करते हैं कि एक अगर ओपन हो तो दूसरा क्लोज हो जाए, यदि एक से करंट जाती हो तो दूसरा का परिपथ खुल जाए, दूसरे से करंट न जाए। तो इसका और इसका देखिए, ये नॉर्मली इसके हाई स्पीड के दोनों कंटेक्ट है, एक नॉर्मली ओपन एक नॉर्मली क्लोज, तो इसका जो कंटेक्ट होता है वो कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड होता है। देखिए ये इसका नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट है एनसी, किसका, हाई स्पीड का, और इसका क्या है, ये नॉर्मली ओपन कंटेक्ट है एनओ, ये एनओ है किसका, हाई स्पीड का, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक एनओ यहां पे लगा हुआ है और एक एनसी यहां पे लगा हुआ है। जब हम एनओ को प्रेस करते हैं तो एनओ क्या हो जाता है, नॉर्मली ओपन हो जाता है, और ये एनसी नॉर्मली ओपन, देखिए एनओ जो होता है वो नॉर्मली क्लोज हो जाता है, नॉर्मली ओपन है तो ये क्लोज हो जाता है, और नॉर्मली क्लोज है वो नॉर्मली ओपन हो जाता है, जिससे इस सर्किट खुल जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रेस किया, पुश बटन स्विच प्रेस किया, तो हमारी करंट इधर से होते हुए इधर से जाते जाते ये हाई स्पीड को मिल गई, और हमारी मोटर हाई स्पीड से चलने लगा। वहीं पे ये करंट इधर क्यों नहीं गई, तो इधर अगर यह प्रेस रहता, ऐसे तो है नहीं, इधर अगर करंट जाती है तो यह खुला हुआ है, ठीक है। अब देखिए दूसरा बात कि जब हम इसको प्रेस करते तो ये हमारी कंटेक्ट खुल जाती, और करंट जैसे ये आ रही है यहाँ पे
वो करंट उसकी रास्ते क्या हो जाते ओपन हो जाते और जो हमारी करंट है वो इधर से पास हो जाती, हमारी करंट जो है इधर से पास हो जाती। इसको जब प्रेस कर रहे हैं तो ये खुल जा रहा है, इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये खुल जा रहा है, देख रहे हैं ना। इसको अगर प्रेस कर रहे हैं नॉर्मली ओपन को तो ये नॉर्मली क्लोज में चेंज हो जा रहा है, अगर इसको नॉर्मली ओपन कर रहे हैं तो ये देखिए इसको नॉर्मली क्लोज कर रहे हैं तो ये नॉर्मली ओपन में चेंज हो जा रहा है। अब करते क्या है कि ये तो है पुश बटन स्विच, अब इसको हम एक बार दबा के छोड़ देंगे, एक बार दबा के छोड़ देंगे तो हमारी मोटर अगर कंटिन्यू चलानी हो तो यहाँ पे हम होल्ड सर्किट होल्ड स्विच लगाते हैं, क्या लगाते हैं होल्ड स्विच, यहाँ पे क्या लगाते हैं होल्ड स्विच, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट में होता है, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट में होता है। जैसे ही ये प्रेस करते हैं तो ये हाई स्पीड के पास जाता है, जो हाई स्पीड मोटर रन करने लगती है और इसके कॉन्टेक्टर जो है इसको नॉर्मली क्लोज में चेंज कर देता है, ये होल्ड स्विच को, होल्ड स्विच का कॉन्टेक्ट नॉर्मली ओपन होता है लेकिन यह कॉन्टेक्टर इसको नॉर्मली क्लोज में चेंज कर देता है। अब यह यहां से रास्ता हमारी एक बार स्विच कर प्रेस करके छोड़ दिए तो हमारी करंट इस रास्ते होते हुए इसको मिल जाती है और सेम काम इसमें यह करता है। तो यही था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल EDU 360% पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।